हेलो दोस्तों, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सल्लार का टीजर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था और फैंस को ये टीजर काफी ज्यादा पसंद आया था। टीजर में हाई एक्शन स्टंट के साथ प्रभास की दमदार झलक दिखाई गई थी। फैंस का मानना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन KGF डायरेक्टर प्रशांत नील कर रहे हैं। बता दें कि प्रभास की लास्ट रिलीज फिल्म आदिपुरुष थी, जो कि फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। साथ ही उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में फैंस को सल्लार से काफी उम्मीद है और प्रभास के फैंस उन्हें गैंगस्टर लुक में देखने के लिए काफी बेताब हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सल्लार का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है और इसे होमबेल फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाया जाएगा। कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हसन मेन लीड में नजर आएंगी और नेगेटिव रोल में पृथ्वीराज और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सल्लार में KGF सीरीज से 10 गुना ज्यादा एक्शन और वॉयलेंस देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सल्लार और KGF की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। साथ ही प्रशांत नील इन फिल्मों से एक यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं। बता दें कि सल्लार के मेकर्स ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसकी डबिंग पर काम चल रहा है और जल्द ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाएगा। सल्लार एक बिग बजट फिल्म होने वाली है जिसमें हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और इस फिल्म को बड़े लेवल पर हिंदी के साथ 5 अलग लैंग्वेज में डब किया जाएगा। बात करें रिलीज डेट की तो इस फिल्म को इसी साल 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। फैंस प्रभास को ग्रे शेड में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें।